इस वाले एपिसोड का नाम है द लास्ट डिफेंस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो वेजिटा है उसने चांस दे दिया था फैल्को की जॉब। एपिसोड कर लो 18 को पर मुझे निराश मत करना, अगर तुम ताकतवर ना हुए तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही सेल उसे एब्जॉर्ब करने के लिए जा रहा था अपना ट्रंक सामने आ गया था। वो कहने लग गया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करने नहीं दूंगा 18 को। पर फिर जो क्रिलिन था उसने वो रिमोट तोड़ दिया था क्योंकि उसका दिल आ गया था ना 18 के ऊपर। पर बेचारा प्यार करता था उसे नहीं मार सका, रिमोट ही तोड़ दिया उसे बचाने के लिए। लेकिन जो सेल है उसकी नज़र पड़ गई थी 18 के ऊपर। तो अब आगे तो जो ट्रंक्स है वो रोक के रखा हुआ था सेल को। उस सेल को जैसे ही दिखती है 18 उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दिल ही दिल में खुश होता है और कहता है कि अरे यार जिसे मैं सारे में ढूंढ रहा था वो यहाँ है। फिर ट्रंक्स की भी नज़र पड़ जाती है 18 के ऊपर और वो सोचता है कि 18 यहाँ है और उनके साथ क्रिलिन भी है। फ्री होकर आ रहा है और फिर जो 18 है वो बोलती है क्रिलिन से तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चाहते तो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते थे, मतलब कि डीएक्टिवेट कर सकते थे और सबको बचा सकते थे। क्रिलिन कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, नीचे नीचे से जाना, ऊपर उड़ के मत जाना वरना सेल तुम्हें देख लेगा। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे बस अरे ये सब बाद में पूछना, बाकी मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। तभी टंग चिल्ला के बोलता है हे 18 उसने तुम्हें देख लिया है, सेल ने तुम्हें देख लिया है, फटाफट भाग जाओ यहाँ से। फिर जो सेल है वो उड़कर आता है 18 के पास लेकिन बहुत ही स्पीड से ट्रंक्स उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर एनर्जी अटैक उसे मारने लगता है। फिर बाद में मुक्के और लातों से उसके ऊपर बरसात कर देता है और उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से एक पहाड़ टूटकर सेल के ऊपर गिर जाता है और वो देखता है ट्रंक्स की उसने अपनी मौजूदगी मिटा दी है सेल ने और अपनी सारी एनर्जी को कम कर दिया है। तभी ट्रंक समझ जाता है हे 18 फटाफट वहाँ से निकलो, वो एक क्रिलिन उसे लेकर यहाँ से जल्दी से जाओ क्योंकि जो सेल है वो जमीन के नीचे से आ रहा है। जो 18 है वो कहती है 16 चलो फटाफट यहाँ से चले। लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है सेल। वो सेल आकर कहता है अब शायद मेरा काम होने ही वाला है, तुम मेरा आखिरी वो लुकमा हो जिसे खाते ही मैं पूरा हो जाऊँगा जिसके लिए मुझे बनाया गया था। फिर जो वेजिटा है वो कहता है कि अरे जोकर इतना टाइम क्यों लगा रहा है, तो जल्दी आना फटाफट। फिर वो देखता है कि जो ट्रंक्स है वो फिर से जा रहा है सेल को रोकने के लिए और जो वेजिटा होता है वो एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। फिर ट्रंक्स के ऊपर ट्रंक दूर जाकर गिरता है और यहाँ ऊपर बुना पूछती है नीचे वहाँ क्या हो रहा है, फटाफट बताओ मुझे वो हो क्या रहा है, तुम बोल क्यों नहीं रहे। रिकोलो है वो बेचारा शांत हो जाता है और इधर जो क्रिलिन होता है वो अटैक कर देता है सेल के ऊपर, पर वो क्या ही बिगाड़ सकता है सेल का। लेकिन सेल को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल से फेंक देता है दूर। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है ट्रंक्स। वो ट्रंक्स आकर कहता है अपने डैड को कि हे डैड अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको भी चैलेंज कर दूंगा और आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। वेजिटा कहता है कि हे तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्या तुम अपने प्यारे डैड पर अटैक करोगे, तुम अपने डियर डैड को चैलेंज करोगे। ट्रंक्स कहता है हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ सेल के रोकने के लिए क्योंकि मुझे पता है उसने मेरे फ्यूचर में क्या क्या किया है। और वो बहुत ही ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, वेजिटा बहुत ज़्यादा दूर जाकर कहता है। और यहाँ पर जो गोकू है वो लेकर आया है गोहान को अपनी पीठ पर क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। और जो गोहान ही मोड़ता है और कहता है डैड मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाया। जो गोकू है वो उसे कहता है बेटा मुझे तुम पे हमेशा से गर्व है और तुम टेंशन मत लेना, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा और तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, अब कल ट्रेनिंग करेंगे। और इधर जो सेल होता है वो आ जाता है 18 के पास एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन जो 18 ने अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट मारती है वो दूर जाता है। और फिर से वो आता है 18 के पास, एनर्जी ब्लास्ट फिर से मारती है 18 और वो फिर से दूर जाता है। और फिर से जो सेल होता है अपनी पूंछ का मुंह बड़ा करता है और आकर कहता है कि अब वो टाइम आ गया। और फिर जो 16 होता है वो भी साइड में पड़ा रहता है, उठने की कोशिश करता है उसे बताने के लिए। और जो क्रिलिन है वो कहता है मैं ये नहीं देख सकता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इतने में एक बहुत ही महान योद्धा वहाँ पर आता है जिसे लोग ट्रंक्स के नाम से जानते हैं और वो अटैक करता है सेल के ऊपर। सेल बहुत दूर जाकर गिरता है और वो कहता है टाइम बिल्कुल भी नहीं है 18 फटाफट यहाँ से निकलो। ट्रंक्स होता है वो अटैक करना शुरू कर देता है सेल के ऊपर और सेल को बहुत अच्छे तरीके से पीटने लगता है। जैसे ही 18 उसे उठाकर उड़ने लगती है क्रिलिन भी उसके पास आ जाता है 16 के और कहता है कि चलो। तो 18 कहती है पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कहता है कि अरे मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो है मेरे बेटे, पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम मेरी टीम में नहीं हो, तुम अलग टीम में हो। और इधर जो ट्रंक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से धो रहा होता है सेल को, लेकिन जो सेल होता है वो मन में एक प्लान बनाता है और उड़कर बहुत स्पीड से नीचे को चलने लगता है। जैसे ही ट्रंक्स उसका पीछा करता है तो हवा में बहुत ऊपर उड़ जाता है और ऊपर जाकर सोलर फ्लैश नाम की पावर मारता है जिसे अपना क्रिलिन यूज़ करता है।
पावर मारता है कि सबकी आंखों में चकाचौंध हो जाती है और किसी की भी आँख खुली नहीं रहती। और क्रीन कहता है अरे यार फिर से नहीं, और सबकी आँखें मतलब कि सब थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। मुछल कहता है ये मेरा मौका है, और वो बहुत ही स्पीड से जाता है एंड्रॉइड 18 के सामने। लेकिन जो क्रिलिन है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। जो 18 होती है वो आंखें बंद में ही ज़्यादा जाती है और अटैक कर देती है सेल के ऊपर, और वो बहुत सारे पंच मारती है, पर वो भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तभी वो अपनी पूंछ के अंदर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, वो उसे आधी एब्जॉर्ब करता है। इतने में क्रिलिन आकर उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, पर जो सेल होता है उसकी सारे अटैक आराम से डोज कर लेता है और वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है 18 को। जो ट्रंक्स होता है वो बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आता है ज़मीन की ओर, और वो देखता है 18 कहाँ है, और वो देखने लगते हैं सब जो सेल है उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। जो वेजिटा है ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब होगी एक और नए योद्धा की शुरुआत, और अब मुझे थोड़ा सा मज़ा आएगा लड़ने के लिए। और जो सेल होता है उसका शरीर बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, वेजिटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उसे देखकर। लेकिन जो अपना ट्रंक्स है वो कहता है मैं अभी भी तुम्हें अपने मकसद में पूरा होने नहीं दूंगा, और वह एनर्जी ब्लास्ट मारने शुरू कर देता है सेल के ऊपर, पर सेल का उससे कुछ नहीं बिगड़ता। और पूरी की पूरी धरती हिलने लगती है, सारे प्लैनेट हिलने लगते हैं, सब घबरा जाते हैं कि आखिर पृथ्वी पर हो क्या रहा है। बुलमा पूछती है कि हे पिकोलो ये हम सब हिल क्यों रहे और पूरा प्लैनेट ऐसा क्यों हिल रहा है। और बहुत बड़ा एनर्जी का गोला सा निकलने लगता है और सारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा हिलने लगती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जिस प्लैनेट पर गए थे अपने नेमिक उनमें से डेंडे आता है भागा हुआ और आकर बताता है एल्डर देखो आपको भी इसका एहसास हुआ। जो एल्डर है वो कहते हैं हाँ मुझे एहसास हुआ, क्या तुम्हें भी एहसास हुआ, ये शक्ति बहुत ताकतवर है, मुझे ऐसा लगता है ये पृथ्वी के लिए नहीं ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है अगर इसे नहीं रोका गया तो। और जो सेल होता है उसका पूरा रूप बदल जाता है। लेकिन ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।